नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अब आत्ममंथन कर रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अनुमान लगाया जा रहा है कि सोनिया गांधी अपने इस्तीफे की पेशकश करेंगी। अगर सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर इस्तीफे की पेशकश पर आम सहमति बनती है तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे या मुकुल वासनिक को फिलहाल पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। चर्चा इस बात की भी है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के इतिहास में अब तक के सबसे बुरे दिन के बाद पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी अपने पद से इस्तीफा दे सकती हैं। पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस की हो रही लगातार हार से कांग्रेस नेतृत्व पर लगातार सवालिया निशान उठते रहे हैं। ये सवालिया निशान सिर्फ पार्टी नेतृत्व पर ही नहीं बल्कि उनकी नीतियों, रणनीतियों और पूरी कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं। तो कुछ ही देर में CWC की बैठक हो रही है जहां पर खुद सोनिया गांधी भी पहुंच रही हैं। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में भी ऐसा ही कुछ सियासी उठापटक देखने को मिल रहा है कांग्रेस के अंदर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही राजनीतिक उथल पुथल तेज हो गई है। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरीश रावत के चुनाव में अपने गढ़ से हारने के बाद अब कांग्रेस अपनी हार पर मंथन कर रही है, जिसके लिए कांग्रेस की आज दिल्ली में पार्टी के सर्वोच्च संस्था कार्य समिति की बैठक होने वाली है कुछ ही देर में। वहीं हरीश रावत ने भी हार की जिम्मेदारी ली है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। एक समय था जब कांग्रेस एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर हर राज्य में अपनी जीत का परचम लहराती थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में हार के बाद कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद विश्लेषण का दौर जारी है। इस हार के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि लगातार हो रही हार के कारणों की तलाश करनी होगी। उन्होंने कहा कि इस हार के लिए वो खुद को भी जिम्मेदार मानते हैं। लोगों ने विपक्ष के रूप में हमको अपनी भूमिका अदा करने का जो आदेश दिया है, एक बड़े हुए मैंडेट के साथ दिया है, हम उसको पूरे प्राणपण से, पूरी निष्ठा से निभाएंगे। और मैं सभी अपने नवनिर्वाचित विधायक गणों को, जिसमें कांग्रेस के विधायक गण हमारे सम्मिलित हैं, उन सबको बहुत बधाई देता हूं। और कुछ लोग पहली बार अपनी विधायी पारी खेल रहे हैं, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, उनको मैं बहुत प्यार और आशीर्वाद देता हूं कि वो एक सफल विधायक सिद्ध हों और जनता के विश्वास को कायम रखने में सफल रहे। हमें पूरा विश्वास था कि लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। कहाँ क्या कमी हमारे प्रयासों में रह गई, मैं उसको, कहीं कहीं कुछ कमी रह गई उसको मैं स्वीकार करता हूँ। और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, क्योंकि मेरी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, तो मैं जो हार हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरीश रावत ने कांग्रेस की हार की तलाश करने की बात की, बल्कि इससे पहले भी जब कांग्रेस को अन्य राज्यों में हार का सामना करना पड़ा तब भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस को हार के बाद मंथन करने पर विचार करने के लिए कहा था। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के चुनाव में कांग्रेस को यूपी को छोड़ 4 राज्यों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी कहीं भी सरकार बनाने लायक सीटें नहीं जीत पाई। फिलहाल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हार की समीक्षा के लिए कार्य समिति की बैठक बुलाने का फैसला किया है और यह बैठक आज शाम 4 बजे दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड। तो अब से कुछ ही देर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं, कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद ये दरअसल समीक्षा बैठक है। बीते कुछ सालों से लगातार आप सभी देख रहे होंगे कि कांग्रेस दरअसल लगातार
राज्यों में चुनाव के बाद ऐसे ही समीक्षा बैठक करती आ रही है, हार को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है, लेकिन अब मामला पेचीदा होता जा रहा है, गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शायद सोनिया गांधी खुद और प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस्तीफा दे सकती हैं या फिर पेशकश कर सकती हैं। इस पूरे मामले को और बेहतरी से समझने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौड़ और कांग्रेस से हमारे साथ जावेद मलिक साहब मौजूद रहेंगे स्क्रीन पर। तो सुभाष गौड़ साहब हैं, जावेद मलिक साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है जावेद मलिक जी आपका और सुभाष गौड़ आपका भी। तो सबसे पहले तो सुभाष गौड़ जी से ये समझना चाहेंगे कि हरीश रावत जी ने कहा है कि क्योंकि दरअसल कैंपेन को मैं लीड कर रहा था चुनाव में, उत्तराखंड जो कांग्रेस थी यहाँ पर मैं लीड कर रहा था, तो हार हुई है तो जिम्मेदारी भी मेरी है। लेकिन हम बीते कई वर्षों से देख रहे हैं सुभाष जी, क्योंकि हम बड़े पर्सपेक्टिव पर बात कर रहे हैं, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तो था, ठीक है कि उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, जीतने की नहीं थी, लेकिन बाकी के अन्य जो चार राज्य हैं वहाँ पर, उत्तराखंड की मैं भी बात कर रहा हूँ आपसे, तो वहाँ पर जीत की थी, उम्मीद थी, लेकिन खराब प्रदर्शन, वजह क्या है कांग्रेस की? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि उम्मीद की जा रही थी कि शायद कांग्रेस इस बार कांटे की टक्कर बीजेपी को उत्तराखंड में देगी, और चुनाव से पहले इस तरीके के ओपिनियन पोल भी नजर आ रहे थे, और तमाम अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो जो प्रत्याशी थे वो मैदान में काफी मेहनत करते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से मतदान के बाद अब मतगणना के दिन बड़े नतीजे सामने आए और एकाएक बीजेपी बड़े माध्यम से जीती हुई नजर आई, तो उसके बाद जो उम्मीद थी, जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस शायद सरकार बना सकती है चाहे निर्दलियों का समर्थन लेना पड़े, वो नजर नहीं आया। लेकिन जो बड़ी कमी है वो जरूर ये माना जा सकता है कि जो सीट थी विधानसभाओं की, जो सीट थी उसका चयन में शायद गलती जरूर बड़े नेता कर पाए, चाहे उसमें हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो या फिर खुद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हो, तो कहा जा सकता है कि सीट में बेहतर प्रत्याशी का चयन ना करना एक बड़ी गलती कांग्रेस की हो सकती है। लेकिन उससे भी बड़ी गलती यह है कि खुद हरीश रावत अपना चुनाव हार गए, खुद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अपना चुनाव हार गए। बिल्कुल, पॉइंट यही है कि आप जैसे कि बता रहे हैं कि सीट जिस तरीके से बांटी गई शायद उसमें गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जब खुद स्वयं जब हरीश रावत ही हार जाए जो सबसे बड़ा चेहरा हो, तो कहीं ना कहीं तो फिर परेशानी है। जी बिल्कुल, हरीश रावत की अगर जहां तक बात की जाए तो उन्होंने अपनी जो विधानसभा सीट है उसका चयन बेहतर नहीं किया था, और यही वजह है कि वो बड़े मार्जिन के साथ अपना विधानसभा का ये चुनाव हारे हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शुरुआती दौर में रामनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की पेशकश की, उन्होंने कहा मैं रामनगर से चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन बड़ी चुनौती कांग्रेस के घर के अंदर ये थी कि उस सीट पर पिछले 5 साल से जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं रंजीत रावत, वो तैयारी कर रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी तैयारी पर को लेकर हरीश रावत चुनाव मैदान में उतरे, और यही वजह है कि दोनों ही नेताओं की अनबन के चलते हाईकमान ने ये डिसाइड किया कि रंजीत रावत सल्ट विधानसभा चुनाव से सीट लड़ेंगे और हरीश रावत को एक मौका दिया गया कि वो चुने कौन सी सीट से चुनते हैं। हालांकि उन्होंने लाल कुआं विधानसभा सीट चुनी, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि यही एक बड़ी गलती हो सकती है हरीश रावत की कि उन्होंने हरिद्वार ग्रामीण जो उनकी पुरानी सीट थी उस सीट पर ध्यान ना देते हुए एक नई सीट का चयन किया। यदि वो हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ते तो शायद वो जीतकर विधानसभा पहुंच सकते हैं, जिस तरीके से उनकी बेटी अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण सीट से जीतकर विधानसभा तक पहुंची है। तो कुल मिलाकर ये जरूर है कि हरीश रावत की भी कुछ गलतियां, और सबसे बड़ी चीज ये है कि गुटबाजी बहुत हावी कांग्रेस में अंतिम समय तक दिखी। हालांकि चुनाव के बाद जिस तरीके से कहा जा रहा था, चुनाव से पहले भी कहा जा रहा था गुटबाजी नहीं है, लेकिन क्योंकि टिकट देने में ही बड़ी गुटबाजी नजर आई, और यही वजह है कि हरीश रावत अपना चुनाव तो हारे, सल्ट से रंजीत रावत भी अपना चुनाव हार गए, और यही वजह है कि जो सीटों की धीरे धीरे कमी होती कांग्रेस में चली गई। यदि सीटों का चयन बेहतर तरीके से किया जाता, प्रत्याशियों का चयन बेहतर तरीके से किया जाता, तो शायद जो सीटें कांग्रेस की कम है उनकी संख्या बढ़ जाती उत्तराखंड में। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है बड़े खामियाजा गुटबाजी के चलते कांग्रेस को उत्तराखंड में उठाना पड़ा है, और उसी की वजह है कि तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो बड़े चेहरे थे, चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जाए या फिर मंत्री के तौर पर देखे जाए, सभी बड़े चेहरे अपना चुनाव इस बार हार गए। लेकिन इसकी वजह क्या है, ये बेहतरीन चीज इसमें समझने की यह है कि वजह गुटबाजी बहुत ज्यादा थी, और यही वजह है कि कांग्रेस ने अपना जो कड़ा मुकाबले वाला चुनाव था, जो आसानी से कांग्रेस की सीटें इसमें बढ़ सकती थी, वो उन्होंने अपनी गुटबाजी के चलते ही चुनाव गवाया है। लेकिन आज इस तरीके से कार्यसमिति की जो महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है,
बिल्कुल, सब अपने अपने हिसाब से आंकलन करेंगे और ऐसे में आज सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग है वहां भी समीक्षा होने को है। जावेद मलिक साहब बिल्कुल आप ही के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज को लेकर और दर्शक हमारी क्लैरिटी चाहते हैं सुभाष जी, कि अब आप क्योंकि सियासत को आप बड़ा बेहतरीन तरीके से वहां पर समझते हैं उत्तराखंड में, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए अब कितनी चुनौतियां हैं, क्योंकि अगर संगठन वहां पर कमजोर होता रहा, अभी उसको अगर नए तरीके से नहीं उभारा गया तो अगले चुनाव में भी कहीं ऐसा ना हो कि जैसा बसपा का हाल हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो अब क्या जो चेंजेस हैं, जो चेंजेस करने की आवश्यकता है, जो बदलाव बहुत ज्यादा है जी, निर्णायक बदलाव क्या करने हैं? और जैसे कि आपने बात की कि संगठन की, तो संगठन कांग्रेस के पास उत्तराखंड में बिल्कुल भी नहीं है। यदि संगठन होता तो शायद इस तरीके की स्थिति उत्तराखंड में तो कांग्रेस को नहीं भुगतनी पड़ती। लेकिन बड़ी वजह यह है कि सह प्रभारी जो हैं दीपिका पांडे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, और ये कहा जा सकता है कि उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के बाद कई बड़े चेहरे जिनके पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी उत्तराखंड के इस विधानसभा चुनाव को लड़ाने की और कांग्रेस को जिताने की, शायद वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि अब इंतजार हो रहा है बैठक का कि बैठक के बाद किस तरीके के नतीजे सामने निकल कर आते हैं। लेकिन उससे पहले ही दीपिका पांडे सह मीडिया सह प्रभारी थी उत्तराखंड की चुनाव को लेकर, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और बड़ी चीज ये है कि सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, गणेश कोडियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन क्योंकि उसके बावजूद भी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं होगा, खुद गणेश कोडियाल अपना विधानसभा चुनाव हार गए। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कमियां जरूर गुटबाजी के कारण बड़ी कांग्रेस में, और यही वजह है कि जो कार्यकर्ता समझ नहीं पाए कि आखिरकार वो करना क्या चाहते हैं, और इसके चलते कहीं ना कहीं बड़ा खामियाजा उत्तराखंड में कांग्रेस को भुगतना। और बड़ी चीज ये है कि आगामी समय में लोकसभा के चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर भी एक बड़ा खामियाजा कांग्रेस को ना भुगतना पड़े तो उनको जरूरत है कि वो अपनी गुटबाजी पूरी तरीके से बंद कर लें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, दो बड़े गुट थे, एक हरीश रावत गुट, दूसरा प्रीतम सिंह गुट। हरीश रावत ये मान रहे थे उनका अंतिम चुनाव है, और उन्होंने चुनाव के दौरान ये बात भी कही कि यदि वो मुख्यमंत्री नहीं बनते तो घर बैठ जाएंगे, यानी कि अपने कार्यकर्ताओं को पहले ही उन्होंने समझा दिया कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, नहीं तो मैं पार्टी के लिए काम नहीं करूंगा। वैसे ही दूसरा गुट है प्रीतम सिंह का, जो नेता प्रतिपक्ष में और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस के थे, उनकी भी यह कहा जा सकता है कि गुटबाजी जरूर हावी रही, वो भी पार्टी को मजबूत करने की जगह मुख्यमंत्री बनने के लिए आगे बढ़ते रहे, लेकिन इसका खामियाजा यह भुगतना पड़ा, मुख्यमंत्री तो नहीं लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी कि बेहतर सीटें उत्तराखंड में आएंगी और कहीं ना कहीं सत्ता बनाने के लिए कांग्रेस पूरी मजबूती से काम करेगा, लेकिन वो चीज थी नजर नहीं आई और गुटबाजी के चलते कांग्रेस को अपना उत्तराखंड का चुनाव हारना पड़ा जी। बिल्कुल, पार्टी आपस में लड़ती, लेकिन उससे पहले पार्टी के भीतर ही महत्वाकांक्षी लोग जो थे वो लड़ने लगे, और पार्टी का आज क्या हर्ष हुआ है उत्तराखंड में आप सभी को पता है। जावेद मलिक साहब हमारे साथ हैं। जावेद मलिक साहब, आपसे तो बहुत ज़्यादा बातें करनी है, गहन चर्चा करनी है, क्योंकि दर्शक भी हमारे लगातार देख रहे हैं, और सबसे पहला तो सवाल यही है कि इसका आप जवाब कैसे देंगे कि अब कांग्रेस की स्थिति क्या होती जा रही है साल दर साल। मसलन 2018 की भी हम बात देख रहे थे कि 9 चुनाव जो हुए पूरे देश में, 9 अलग अलग तरीके के चुनाव जो हुए, 9 में से 4 कभी 2 साथ हुए तो 2 ऐसे करके कांग्रेस जीत पा रही है। मतलब कांग्रेस का जीत का जो स्ट्राइक रेट है वो इतना कम हो चुका है कि फास्ट बॉलर भी अगर क्रिकेट के पिच पर आता है, बैटिंग करता है, तो उसका स्ट्राइक रेट भी उससे बेहतर होता है। तो कांग्रेस किस तरफ जा रही है? और अभी तो आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा है कि अब दरअसल कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी ने ले ली है, कांग्रेस दरअसल नेशनल पार्टी अब बची ही नहीं है, जब आप जीत ही नहीं सकते कहीं, और ये हाल है आपका। और जैसे कि अभी सुभाष जी हमारे बता रहे थे कि मीडिया कोऑर्डिनेटर है, कोई मीडिया के इंचार्ज हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में कांग्रेस के जिलाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है। समझ रहे चौहान जी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस एक ऐसा मूवमेंट है जो कभी हार नहीं सकता। हाँ, हमारी सीटें जरूर कम आई हैं और हम हारे हैं, उस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो आप एनजीओ बन गए क्या सर? आप पॉलिटिकल पार्टी से एनजीओ हो गए? आपका सवाल आंसर से लंबा नहीं हो सकता ना, तो जवाब सुन लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम हारे हैं और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, और इसका एक मेन रीजन ये भी है कि हम जनता का मन समझने में विफल हुए हैं। लेकिन जो सुभाष जी है उन्होंने कहा कि हरीश रावत जी हारे हैं, बिल्कुल हारे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि उनके सुभाष जी साथ में ही बने हैं। सुभाष जी, बीच में अगर आपको कोई भी सवाल बनता हो तो आप कर सकते हैं जी।
जी जावेद जी, धामी जी भी हारे हैं और उत्तर प्रदेश में 12 मंत्री योगी जी के हारे हैं और केशव प्रसाद मौर्य जी हारे हैं। वो तो जिस दिन काउंटिंग हो रही थी वो ये लिख रहे थे कि गुंडागर्दी हार, जनता जीत रही है और गुंडागर्दी हार रही है और खुद हार गए। उनके हारने से प्रसन्न होने से ज्यादा आज हम आपकी बात कर रहे हैं सर। चौहान जी, मलिक साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जरूर है उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जरूर अपना चुनाव हारे, लेकिन वो अपनी पार्टी को जिता कर लाए, पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई। लेकिन हरीश रावत का हारने का रिकॉर्ड बन चुका है, 2017 में दो विधानसभा सीटों से वो हार गए। लोकसभा का चुनाव वो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वोटों से 3.5 लाख वोटों से वो हारे। ये कहा जा रहा था कि शायद हरीश रावत एक ऐसा नेता है जो लोकसभा का चुनाव जीतेंगे, लेकिन उनकी हार का जो रिकॉर्ड था वो सबसे ज्यादा रहा उत्तराखंड में। और ये कहा जा सकता है कि उनकी कमी के, आप उत्तर तो ले लीजिए, आप सवाल ही पूछेंगे उत्तर भी तो लेंगे ना मेरा। जावेद मलिक साहब, जावेद मलिक साहब, बहुत शॉर्ट कर देते हैं इसको, फिर आप लंबा बोलिएगा। कहने का जो पूरा लबोलुआब है वो दरअसल ये है कि कांग्रेस के अंदर जो बड़े नेता हैं, क्या उनके अंदर कांग्रेस बची है? बिल्कुल बची है, इसीलिए लड़ रहे हैं बड़े नेता ही, हमारे कार्यकर्ता भी जमीन पे लड़े हैं और नेता भी लड़े हैं। हाँ, हमने कहा कि हम हारे हैं, बिल्कुल हारे हैं, लेकिन हमने सकारात्मक राजनीति की है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर हो। हमने वही मुद्दे उठाए हैं जो जनता के लिए थे और जनता के लिए हम काम करते रहेंगे, जनता के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का काम हो या सरकार का काम हो वो जनता के लिए होता है। इलेक्शन जीतने के बहुत सारे अलग रीजन हो सकते हैं, हमारे हारने का रीजन आप आकलन कर रहे हैं, लेकिन जो जीते हैं वो क्यों जीते हैं? क्योंकि वो मैंने काला कुर्ता पहना है वो इसको सफेद प्रूफ कर देते हैं, और हमारे अंदर ये कमी है कि हम इस काले को काला प्रूफ नहीं कर पाते। उनकी मार्केटिंग हमसे ज्यादा अच्छी है, वो झूठ को सच साबित कर देते हैं और हम सच को भी पब्लिक में लेके जाने में विफल हो रहे हैं। ये मेन रीजन है। आपका आकलन कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम यही मानते हैं कि आने वाले वक्त में हमारा संघर्ष और बढ़ेगा, हमारे कार्यकर्ता और जमीन पे उतरेंगे और आपको नई कांग्रेस दिखेगी और देश में भी दिखेगी और 2024 में भी हम जीतेंगे और आने वाले जो दो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस ही जीतेगी। और आपने कहा कि आप पार्टी जो है एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने वाली है, विकल्प दे रही है, वो कांग्रेस को रिप्लेस कर रही है। ये तो अभी 4 महीने पहले ममता बनर्जी के लिए भी कहा गया था, वहां पे वो गोवा में गई, क्या हुआ? उन्होंने केवल वोट डिवाइड कर दिया है। तो ये सब चलता रहता है। आज भी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में है और कांग्रेस की विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं वो जुड़े रहेंगे और निरंतर काम करेंगे। आपको नई कांग्रेस मिलेगी, ऐसा संघर्ष करेंगे हम कि आपने देखा नहीं होगा। ठीक है चौहान जी, ठीक है, जितनी बार चुनाव हुए हैं उसके बाद कांग्रेस की तरफ से बस समीक्षा की बात की जाती है, अब तो समीक्षा भी परेशान है कि उसकी कब तक परीक्षा लेंगे आप। खैर, मेरा सवाल जावेद मलिक साहब आपसे ये है, जावेद मलिक साहब सवाल सुनिएगा, सवाल दरअसल ये है कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, आप कह रहे हैं कि हमने इतने मुद्दे उठाए, जनता से जुड़े मुद्दे उठाए, आपने इतने मुद्दे उठाए लेकिन उतनी सीटें भी नहीं आई जितने आपने दरअसल मुद्दे उठाए, जितने प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने जितने इंटरव्यू दिए उतने तो सीटें भी नहीं निकाल पाए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रियंका, राहुल गांधी पहले फेल हुए 2017 में, प्रियंका गांधी अब इस बार 2022 में टोटली फेल हुई, अब ऐसे में जब सुभाष गौड़ जी बता रहे हैं कि वहां पर भी इस्तीफे दे रहे हैं कांग्रेस के छोटे छोटे जो पदाधिकारी हैं, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी दे रहे हैं, पंजाब में भी दे रहे हैं, मणिपुर में भी दे रहे हैं, गोवा में भी दे रहे हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो सीनियर तबके के लोग हैं, आप कब तक ये कहते रहेंगे कि राहुल गांधी यू कैन डू इट, प्रियंका गांधी यू कैन डू इट, नाउ प्रियंका गांधी कैन डू इट, अब राहुल गांधी यू कैन डू इट, तो ये कब तक चलता रहेगा सर? कि एक मदर है जो पार्टी की टॉप लीडर है, उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, और पूरी कांग्रेस उनको पीछे से मोटिवेट कर रही है कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अरे सर, इसको एक्सेप्ट करने में कितना समय लगेगा? हम आपको बता रहे हैं ना, पंजाब में हम हारे हैं, भाजपा भी हारी है ना, तो उसका जिम्मेदार कौन है? मध्य प्रदेश में बीजेपी हारी थी, सर आप चुनाव ही मत लड़ते, जिम्मेदार कौन सर? अगर आप बीजेपी की अगर आप गिराया गया, कर्नाटक में गलत तरीके से सरकार को गिराया गया, मणिपुर में किस तरह सरकार बनाई गई आपने देखा, पिछली बार गोवा में किस तरीके से सरकार बनाई गई थी आपने देखा। तो ऐसा नहीं है, हम पूरा एक्सेप्ट किए कि हम हारे हैं और हार मान रहे हैं, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं लोगों के बीच में सही मुद्दे लाने का, नौकरी रोजगार की बात करने का। हाँ, लेकिन वो बात अलग है कि जो भाजपा है उसकी धर्म
पे जो राजनीति है वो हावी हो रही है अहम मुद्दों पे, और एक मीडिया का अभी हमने एक वीडियो आपकी, देखा आपकी जो आपकी जो टॉप लीडरशिप है तरीके से नाच रहे थे जब योगी जी की सरकार आ रही थी, ठीक है, तो एक तबका ऐसा भी है मीडिया का जो सरकार से सवाल नहीं पूछता है, केवल विपक्ष से सरकार सवाल पूछता है। आप विपक्ष भी कहां रहे सर, आप ठीक ठाक विपक्ष भी कहां रहे? अब मेरी ये सवाल सुनिएगा सर, कि आपको नहीं लगता कि अब टॉप लीडरशिप में बदलाव की आवश्यकता है, जरूरत है? बिल्कुल है, लेकिन सवाल यह है कि हमारा चुनाव प्रक्रिया चल रही है, मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, अक्टूबर में चुनाव होने वाला है, पूरी दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहां पे चुनाव से अध्यक्ष बनेगा, हमारी पार्टी में आपके, बनेगा, जो आपके, आपकी, करे, लड़े चुनाव लड़े। बिल्कुल, आपकी टॉप लीडरशिप में जो चुनाव होगा उस पर क्या रिजल्ट आएगा ये तो मैं भी बता सकता हूँ, सुभाष जी भी मेरे साथ है वो भी बता सकते हैं। नहीं, अब जब जब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हो, कोई आप, लड़ सकता है। अच्छा, आप टॉप लीडरशिप की बात कर रहे हैं कि कौन अब अध्यक्ष होगा, आप कौन अध्यक्ष होगा उसके चुनाव की बात कर रहे हैं, आपने तो उसका तो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, सुभाष जी भी जानते हैं। प्रक्रिया में है, हमारी मेंबरशिप ड्राइव चल रही है, 31 तारीख को हमारी मेंबरशिप चुनाव प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया जब तक एक परिवार में ही चलती रहेगी तब तक सब कैसे भला होगा? ओपन है, ओपन है चौहान जी, ओपन है चुनाव, ओपन होता है, कोई भी लड़ सकता है, लेकिन लड़ने के बाद जीतता कौन है? आपके यहाँ एक परिवार ही क्यों जीतता रहता है? कोई बेटा कभी मदद करा? अब मोदी जी योगी जी जीते हैं तो ये लोकतंत्र की वजह से ही तो जीते हैं, हम तो पार्टी में चुनाव करा रहे हैं। सुभाष जी तो आप फ्री हैंड है, जो दावेदारी करे लड़े। सुभाष जी जीते, लोकतंत्र है, कार्यकर्ता वोट देंगे। बिल्कुल, इसको आईना थोड़ा सा सुभाष जी बेहतर दिखाएंगे। सुभाष जी, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो टॉप लीडरशिप है माने अध्यक्ष की जो बात है कांग्रेस की, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो ओपन, एकदम ओपन होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जो चुनाव होता है, और अध्यक्ष कोई भी बन सकता है। अब जरा इसको थोड़ा सा आप समझाने की कोशिश कीजिएगा कि इनका ट्रांसपेरेंसी वाला जो चुनाव है वो दरअसल ऐसा क्यों है कि या तो माता जी के पास रहता है, या सुपुत्र के पास रहता है, या सुपुत्री के पास रहता है, इसको थोड़ा सा बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल जावेद जी, जैसा आपने कहा कि हमारे पूरी पार्टी में अधिकार है सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कि वो अध्यक्ष के लिए अब चुनाव कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है जब सामने राहुल गांधी हो चुनाव लड़ने के लिए, प्रियंका गांधी हो, तो आपका कोई कार्यकर्ता या नेता उनके समक्ष खड़ा भी होगा? उसके बाद चुनाव तो बाद की बात है, पहले खड़ा होने के लिए तो कोई नेता तैयार हो आपके यहाँ? आपके यहाँ तो ये कह दिया जाता है कि हम चाहते हैं हमारा समर्थन राहुल गांधी जी को, हम चाहते हैं राहुल जी अध्यक्ष रहे, हम चाहते हैं प्रियंका जी अध्यक्ष रहे, कोई खड़ा होने के लिए तैयार कहाँ रहता है? तो फिर हम मेंबरशिप ड्राइव क्यों करा रहे हैं? फिर मेंबरशिप ड्राइव क्यों करा रहे हैं हम? प्रोसेस क्यों रखा गया है देश के सामने कि हमारा चुनाव होगा अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में? वही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने ऐसा रखा क्यों है, जब कोई खड़े होने के लिए तैयार नहीं रहता? आपके तमाम जावेद मलिक साहब, देखिए समस्या दरअसल मैं बताता हूँ कहाँ है। आपने बातों ही बातों में जल्दबाजी में आपसे एक बात पूछी कि टॉप लीडरशिप को बदलने की आवश्यकता है, आपने कहा है, आपने कहा है, लेकिन आप एक चीज नहीं कह सकते कि राहुल गांधी एलिजिबल नहीं है कि वो अध्यक्ष बने, या फिर पार्टी को लीड करे, कमांड करे, या फिर सोनिया गांधी एलिजिबल नहीं है, या फिर वो इतना होल्ड नहीं रखती, स्ट्रांग होल्ड नहीं रखती, या फिर प्रियंका गांधी नहीं। परिवार के इन तीन सदस्यों को, परिवार के इन तीन सदस्यों को छोड़कर क्या परिवार के, क्या परिवार के, जावेद मलिक साहब क्या परिवार के इन तीन सदस्यों को छोड़कर कोई और अध्यक्ष के लिए एलिजिबल है पूरी कांग्रेस में, इन एंटायर कांग्रेस? हर कोई एलिजिबल है। आप हमारा देख लीजिए, सबसे ज्यादा सब ठीक है, उसका वेबसाइट देख लीजिए, हर कोई एलिजिबल है। राहुल गांधी ठीक है सर, राहुल गांधी तो फेल हो गए, प्रियंका गांधी भी फेल हो गई, और सोनिया गांधी जी भी फिलहाल कुछ वर्षों से फेल से थोड़ी फेल होता है। डेटा बता रहा हूँ सर, जो हार का जो आप लगातार जो इतिहास बना रहे हैं उस, वो डेटा बता रहा हूँ आपको, तो उस डेटा के हिसाब से फेल हो गए। अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूँ तो उस हिसाब से फेल हो रहे ना सर, तो राहुल गांधी भी फेल हो गए, वो तो अभी अध्यक्ष ही नहीं थे, राहुल गांधी अभी तक अभ्यर्थी ही नहीं हुए, विचारक थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो फिर राहुल गांधी जी क्या करने जाते हैं पंजाब में? दोनों अपने कैंडिडेट्स जो इधर उधर से हैं उनको सब चीजें राहुल गांधी के सॉर्ट आउट होता है ना, जो इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है उस सूची में है, वो हमारे टॉप लीडर है वो। राहुल गांधी जब आप कह रहे हैं कि सिंपल एक एमपी है, तो फिर वो कांग्रेस में क्यों सबसे अपने आप को आला कमान में बैठा के बैठे हैं, और हर कोई क्यों उनके बुलावे पर बोल रहा है? कौन बोल रहा है? सीनियर लीडर्स तो होंगे ना हर पार्टी में, आडवाणी जी सीनियर लीडर है ना भाजपा में, ठीक है, अध्यक्षी को बदलने, ठीक है, अध्यक्षी को बदलने की आवश्यकता है, एक परिवार से बाहर ले जाने की जरूरत है कि नहीं है?
चुनाव प्रक्रिया हमारी जारी है, मैं आपको बार बार आप सपने में भी इलेक्शन आप ठीक है ठीक है दिल पर हाथ रखिए बोलिए कि आप सपने में आप दिल पर हाथ रखिए बोलिए जावेद मलिक साहब मैं कहूंगा कि राहुल गांधी चुनाव लड़े और जीते ठीक है जावेद मलिक साहब आप दिल पर हाथ रखकर बोल सकते हैं कि परिवार से अलग अध्यक्षी जा सकती है। अरे जब इलेक्शन हो रहा है तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि कौन बनेगा कौन जीतेगा, भविष्यवाणी नहीं कर सकता, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। अगर आप मेरी नीति राय जान रहे हैं तो मेरा नेता राहुल गांधी है, मैं चाहता हूँ कि वो इलेक्शन लड़े और सबको हराए, चाहे 50 लोग कांग्रेस में लड़े और वो इलेक्शन जीते, मैं ये चाहता हूँ। मतलब कांग्रेस अभी भी आज की तारीख पे भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के आसपास ही घूमती रहेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद मलिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुभाष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी कुछ ही देर में आपको बता रहे हैं कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंच चुकी है, और मीटिंग से क्या कुछ निकलेगा पल पल की अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। और सीडब्ल्यूसी मीटिंग में सबसे बड़ा आज क्या फैसला होने जा रहा है इसको भी आपको दिखाएंगे ब्रेकिंग के साथ। लेकिन आपको भी बता दें कि मीटिंग चल रही है और क्या निकल कर आएगा इस मंथन के बाद वो आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।